तो इसके लिए मैं सबसे पहले गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अध्याय 17 और 18 के आधार पर बताऊंगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण गोप देवी के भेष में पहली बार श्री राधा से मिलने गए और वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण गोप देवी के रूप में अपनी तथा अपनी गोप जात की बुराई श्री राधा से अनेकों प्रकार से करने लगे। तब गोप देवी के इस प्रकार कटु वचन को सुनकर राधा ने कहा, सखी तुम तो बड़ी ढीठ जान पड़ती हो। ग्वाले सदा गौओं का पालन करते हैं तथा गौओं के उत्तम नामों का जप करते हैं और इतना ही नहीं, उन्हें दिन रात गौओं के सुंदर मुख का दर्शन होता है। इसलिए मेरी समझ में तो इस भूतल पर गोप अर्थात वही जात से बढ़कर कोई जाति ही नहीं है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अहिर जाति की सर्वोच्चता का बखान स्वयं राधा जी ने किया, जो साक्षात लक्ष्मी के रूप में गोप कुल में जन्म ली थी। इसलिए इनका कहा हुआ प्रत्येक वाक्य ब्रह्म वाक्य की तरह सत्य है, इसमें दो राय नहीं।